towards the basic stain so substances just like a nucleic acid they are always attracted towards the basic stain so here these uh, nucleic acid they are can be referred as the basophil they can be referred as the basophil and their property is call, known as basophilia here in more instance the basophil substance which attract the basic stain are themselves acid so whatever basic stains are

saffronin malachite green methyl green crystal violet basic fuchsin and orange azure b ट्राइनाइन ऑल दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिक स्टेन तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमेटोजाइलिन की हिमेटोजाइलिन जो है हम इसको बोल सकते हैं ये न्यूक्लियर स्टेन है सो इट इज ऑलवेज यूज टू स्टडी द बेसिक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये जो न्यूक्लियस को जो है वो आसानी से स्टेन कर सकता है सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग बिटवीन द साइटोप्लाजम एंड द न्यूक्लियस ये जो है इट इज कॉमनली यूज फॉर बोथ प्लान्स एंड एनिमल्स टू शू बोथ तो ये जो स्टेन है It is obtained from the plant, that is, तो होता क्या है सबसे पहली बात ये जो हिमाटोजाइलिन है उसको ऑक्सीडेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एटमोसफेरिक ऑक्सीजन एंड इट इज कन्वर्ट इन यू द हिमेटिन तो या तो फिर आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं लाइक द सोडियम आइडेट सोडियम परफोरेट मर्क्यूरिक ऑक्साइड केएमिनोफोर एंड पोटेशियम पेरियोडेट ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि हेमेटोजाइलिन को जो हेमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे और एक्चुअली हेमेटिन ही है जो कि कलर इट इज गोइंग टू गिव द कलर एंड हेयर द सेल्यूलर कम्पोनेट इज गोइं टू गेट स्टीन तो सबसे पहली बात तो जो है हेमेटोजाइलिन को ऑक्सीडाइज करना पड़ता हैमेटिन इज गोइंग टू फॉर्म और हेमेटिन जो है because of the exposure of the atmospheric oxygen here it gives the coloration to the cellular component so in hematoxylin or you can say hematin there is some use of some mordant uh, substance also just alum which adds विच एनहेंसेज द ब्लू ब्लैक और वायलेट स्टेनिंग अपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मतलब कि और भी ज्यादा डार्क कलरेशन नजर आएगा हमको न्यूक्लियर कंपोनेंट में और ये जो स्टेन है इट इज यूज यूनिवर्सली क्यों क्योंकि बहुत ही हाई कॉन्ट्रैक्ट में पिक्चर नजर आता है बहुत ही कन्वीनियनलीजी फोटोग्राफ नजर आती है दैर इज ईजी कंट्रोल ऑफ द डाई एंड दिस स्टेन इट इज इंसॉलिबल इन एक्वास एंड एल्कोहलिक मीडियम सो दिस इज हाउ इट इज वेरी मच यूजफुल नेक्स्ट हम जो बेसिक स्टेन के बारे में बात करेंगे इंसेक्ट कॉकस कैक्टी कैक्टस के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये है स्टेन का फॉर्मेशन होता है एंड द एस्ट्रोकार स्टेन इट इज जनरली यूज्ड टू सी द क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स Next uh, stain is the methylene blue. Methylene blue it is often used for the treating aquarius to, aquariums to prevent fungal infections in fishes and is also widely used by the biologist to uh, do the biological stain and it also used as an indicator. It is suitable to stain the cell nuclei and it is also staining the nuclei of the bacteria. The next stain which we are going to study is the sin stain. It is also a very good nuclear stain which is used for the plants also and for the animals also. So you can see how the plant cells and animal cells they are being stained by using the stain that is estrogen. It is also an example of the basic stain. So this way, we have studied about the basic stain. And here the video ends and thank you very much.